विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मानी इतिहास में शिल्प कला और चित्रकला के सबसे शानदार उदाहरण है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काट कर तैयार किया गया था, जो आकार में एक घोड़े की नाल की तरह है। सह्याद्री पर्वतमाला में बनी ये गुफाएं औरंगाबाद के पास वघोरा नदी के पास स्थित है। यहीं से कुछ दूरी पर अजीठा नामक एक गांव बसा है और इसी के आधार पर अजंता की गुफाओं का नामांकन किया गया है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। यहां की दीवारों और छतों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी भिन्न भिन्न घटनाओं को बखूबी दिखाया गया है। यहां दो तरह की गुफाएं हैं, एक बिहार और दूसरा चैत्य गृह। बिहार की संख्या 25 है तो चैत्य गृहों की संख्या 4 है। एक ओर बिहार का इस्तेमाल बौद्ध के रहने के लिए करते थे, दूसरी तरफ चैत्य गृह का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है। दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जंगली जानवरों और स्थानीय वीर समुदायों को छोड़कर अजंता की गुफाएं हजारों वर्ष तक अज्ञात रही। इन गुफाओं की खोज पहली बार 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा सैनिक अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। फिर 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जॉन स्मिथ शिकार की तलाश में निकले थे, तभी उन्हें वघोरा नदी के सामने एक गुफा के मुहाने को देखा जो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ लग रहा था। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ गुफा में गए। वहां उन्होंने दीवारों में शानदार नकाशी देखी और उनके सामने ध्यान लगाते हुए बुद्ध की प्रतिमा को देखी। उन्होंने अपने नाम को बोधिसत्व की एक मूर्ति पर उकेरा। स्मिथ के इस खोज की खबर दुनिया में तेजी से फैलने लगी। फिर 1844 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने मेजर रॉबर्ट गिल को यहां बनी चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन रॉबर्ट गिल के लिए ये काम आसान नहीं था, क्योंकि यहां भीषण गर्मियां और वन्य जीवों का खतरा होने के साथ साथ भील आदिवासियों का भी खतरा था। भील आदिवासी काफी उग्र थे और उन पर ना तो कभी किसी भारतीय शासक ने हमला करने की हिम्मत दिखाई और न ही आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना ने। रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से रॉबर्ट गिल किसी प्रकार गुफा के अंदर गए और वहां शानदार वास्तुकला और मूर्तिकला को देखकर हैरान रह गए। यहां बुद्ध की हजार छवियां थी जो आज दुनिया में करोड़ों लोगों को एक सोच के लिए प्रेरित करते रहे हैं। यहां बुद्ध की छवियों के अलावा कई जानवरों और आभूषणों और पहनावों को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थी जिसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय यूनानी संस्कृति का विस्तार करीब 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के दौरान हो गया था। फिर हेलेनिस्टिक काल में यह अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक मार्गों के अलावा चीन और जापान तक तेजी से फैला। रॉबर्ट गिल ने अपनी 27 कैनवास को दक्षिण लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया, लेकिन 1866 में 23 कैनवास आग में जलकर राख हो गया। इसके बीच 1848 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा गठित रॉयल कैव टेंपल कमीशन ने 1861 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की नींव रखी। अब तक अजंता की गुफाएं को लेकर काफी चिंताएं बढ़ चुकी थी। कुछ निडर विशेषज्ञ इस मुहिम में शामिल हो गए थे। कई चित्र दीवार टूटने से बर्बाद हो गए थे, हालांकि कुछ चित्रों को उन लोगों ने बचा लिया था। इसके बाद 1872 में बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल जॉन ग्रिफिथ्स को नई प्रतिकृतियों बनाने की जिम्मेवारी दी गई। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर करीब 300 चित्रों को बनाया।
इसके बाद लेडी हैरिंगम ने कलकत्ता स्कूल ऑफ द आर्ट्स की मदद से 1909 में अजंता की गुफाओं की और भी प्रतियां बनाई। इसके बाद हैदराबाद के इतिहासकार गुलाम याजदानी ने 1930 से लेकर 1955 के बीच अजंता की गुफाओं का एक व्यापक अध्ययन किया और अपने फोटोग्राफिक सर्वेक्षण को 4 भागों में दुनिया के सामने रखी। याजदानी के योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें कि वहीं बीते 2 दशकों में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने नई तकनीकियों के इस्तेमाल करते हुए हजारों साल पहले कलाकारों द्वारा इन चित्रों को बनाने की तकनीकियों का खुलासा किया है। बताया जाता है कि इन छवियों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले लैपिस लैजुजली यानी कि राजवर्त पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। नीले रंग के इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में 9 रत्नों का दर्जा हासिल भी है। माना जाता है कि अजंता की गुफाओं को सातवाहन काल और वाकटक काल 2 अलग-अलग कालों में बनाया गया है। इस गुफाओं की ऊंचाई 76 मीटर तक है। ये गुफाएं जातक कथाओं के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं को प्रमुख वाकटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनवाया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी बौद्ध यात्री पाहियान और सम्राट हर्षवर्धन के दौर में आए वेंग सांग की जानकारी भी पाई जाती है। अजंता की गुफाओं में एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान की झलक देखने को मिलती है, वहीं पर दूसरे में महायान संप्रदाय की। ज्यादातर गुफाओं में ध्यान लगाने के लिए कमरों के आकार अलग अलग हैं, जिसमें साफ है कि ये कमरे को महत्व के आधार पर बनाया गया होगा। वही इससे करीब 100 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं में 5वीं सदी से 11वीं सदी के बीच विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई शिल्प संघों द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा की गई थी। ये गुफाएं वास्तुकला के रूप में भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में सबसे खास बात है गौतम बुद्ध की एक सोती हुई प्रतिमा, और इस प्रतिमा की सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। सच में अगर हम बात करें तो अजंता की गुफाएं सदियों में निर्वाण का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। शायद निर्वाण का प्रवेश द्वार इसी को ही कहा जाएगा। तो ये था अजंता की गुफाएं। भारत दर्शन की अगली कड़ी में हम कोणार्क के सूर्य मंदिर की जीवंत इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण विशेष वीडियो को देखने के लिए दीक्षांत आईएएस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद।